दिल्ली एनसीआर और यूपी के अलावा हरियाणा की भी आबोहवा जहरीली हो चुकी है। वायु प्रदूषण का लेवल जो है खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम में लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिना मास्क के लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये तीन अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, सोनीपत और करनाल में भी किस तरह से जो है पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और घर से बाहर बिना मास्क के लोग जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 नवंबर के बाद से स्थिति थोड़ी ठीक होगी, लेकिन उसके विपरीत देखने को मिला है कि हल्की फुहारें जब हुई, हल्की बारिश जो हुई है उसके बाद भी दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से बारिश की बूंदें जब पड़ रही थी तो लगा था कि पोल्यूशन का लेवल जो है वो डाउन होगा, लेकिन उसके बाद तस्वीर जो है वो कुछ ऐसी हो गई है और आज तो विजिबिलिटी और भी कम है। सर, मैं अंबाला से आया हूं और पूरे हाईवे पे ये धुंध है, क्या है ये नहीं पता लग रहा। मतलब एक आंखों में बहुत ज्यादा जलन है इससे, मतलब बहुत परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। वहां से यहां तक आने में मेरे को बहुत परेशानी हुई है, आंखों में बहुत ज्यादा जलन दर्द है और बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो ये कुछ नहीं कह सकते जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये लोग जो पराली जलाते हैं ना खेतों में, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि और तो कोई अभी ऐसा, इतनी ठंड नहीं है कि उसके कारण या कोई और ऐसा, तो ये पराली के कारण ही मेरे को लग रहा है कि जो सब है तो सब उसी के कारण है। पोल्यूशन का तो आप देख ही रहे हो और सबको पता भी है, सिर्फ सरकार को नहीं पता ये बात। कुंडली गाँव HSIDC का अब हो रहा है, राय HSIDC का अब हो रहा है। अभी आप रोड की तरफ कैमरा करोगे देखो, किसी को गाड़ी आने जाने वाले 9 बजने का समय है, आँखों में इतनी तेज एलर्जी हो रही है, लोगों को बीमारी का प्रदूषण, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। जो है मैं यहाँ से जिट रोड से जो है बालगढ़ की तरफ जा रहा था तो इतना कोहरा और जो है वो धुआं रोड के ऊपर है कि गाड़ी चलाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है। और इसके प्रति जो है सरकार और आम व्यक्ति सब ने जो है सजग रहना चाहिए ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। हाँ जी, पोल्यूशन की मात्रा तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि घर से निकलना दूभर हो गया, क्या बच्चे बूढ़े जवान सभी परेशान हैं, सांस लेने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है। इसके लिए सरकार को बहुत ही ज़रूरी है एहतियात के तौर पर कदम उठाने चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए।